शुभकामनाएं आपको। क्या करना चाहेंगे सर अपने पंचायत वासियों को? सबसे पहले नगर पंचायत बोलता सिवान, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके अपने पंचायत में, नगर पंचायत गोपालपुर में बहुत बहुत स्वागत हो आपको, जो हमारे नगर पंचायत में आप आए। और मैं अपने पंचायत के लोगों को अपने अपने परिवार के तरफ से मैं दिवाली और धनतेरस का शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी को। जितने भी हमारे नगरवासी, जिलावासी, जितने भी हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपने तरफ से मैं उनको मैं बहुत बहुत धनतेरस और दिवाली का शुभकामनाएँ हमारे तरफ से, हमारे परिवार के तरफ से। चलिए सबसे पहले तो सर क्या कहना चाहेंगे जाकिर साहब के बारे में? नहीं, जाकिर भैया के तो कहने क्या है, सब ये सामने दिख रहा है। अभी इलिमिनेशन जो हुआ था तो सब कोई भाई आ रहे थे हम लोग के पास मिलने के लिए, पर जाकिर भाई में खासियत है कि कभी भी रात में 12 बजे भी बुलाया जाए तो मैंने आ सकते हैं। कोई काम भी, मैंने कोई भी कठिन भी हो, अपने ज़िंदगी के विषय में नहीं सोचते कि कोई हमें धोखा से बुला रहा है कि कोई हमें किस तरह से बुला रहा है, पर उनके सोचना नहीं, उनको सिर्फ पब्लिक की नज़र में हमको बस उनको आना है, सेवा करना है। अभी जीते नहीं हुए हैं, जितने तब से बहुत कुछ कराए हुए हैं, अभी फिलहाल सुन रहे हैं कि आँख भी बनवा रहे हैं। आज हमारे गांव में भी 10 आदमी को आज सब आधार कार्ड लिए हैं, तो हमारे भाई का तरफ से तो हमारे दिखने से पूरे हमारे मोहल्ले का हिसाब से जाकिर भाई को अच्छे लोग लाइक कर रहे हैं। आ रही बात एक और कि जो लोग नहीं किए हैं जो ही कर रहे हैं, हम इतना हम जानते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत दिन हम लोग पहले भी एक बार गए थे तो आज 15 साल पहले, जो 15 साल में जो लोग रहे हैं कुछ नहीं किए हैं हम लोग के लिए देखा जाए तो, फिर भी उनकी हमारे तरफ से कोई ये नहीं है। पर हम लोग इतना जानते हैं कि जाकिर भाई को पूरी उम्मीद से अगर एक बार ये जीत जाएंगे तो हमारे गोपालपुर की कुछ परिवर्तन बदल जाएगी। तो मतलब मेरा ये सवाल रहेगा सर, जैसे कि आज धनतेरस है जी, हाँ, और हमारे आपके पंचायत में, नगर पंचायत में बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो चेयरमैन से लड़ रहे हैं, कोई वार्ड पार्षद से लड़ रहा है, कोई डिप्टी चेयरमैन से लड़ रहा है, लेकिन क्या आपको आज के दिन कोई आपसे मिलने आया, कोई बधाई देने आज के दिन में हमारे साथ कोई नहीं मिलने आया है, ना इतने हमारे जो भाई बैठे हुए हैं, हमारे अंकल बैठे हैं, हमारे पापा बैठे हुए हैं, या हमारे बहुत लोग मैं जो कभी मैंने कोई अभी पर नहीं, मीडिया वाले लोग नहीं कोई प्रत्याशी बुला कर लेकर आए। वो पहले हम बात कर रहे हैं, अभी जो हमारे जाकिर भाई पहली बार कोई धनतेरस के दिन पे अवसर पे और छठ और दिवाली की तरफ से ये इन्होंने आज हमारे मीडिया वाले भाई लोग सिवान की तरफ से बुलाए हुए हैं, तो हम उन मीडिया वालों को भी बधाई दे रहे हैं और जाकिर भाई को हमारे फुल बहुमत से हमारी पूरी इनकी तरफ हमारे वोटिंग हमारे। क्या क्या कहना चाहेंगे सर, आज धनतेरस है और जाकिर जैसे कि ये प्रत्याशी भी हैं चेयरमैन के, तो धनतेरस के अवसर पे क्या इनको आशीर्वाद देना चाहेंगे? इनको आशीर्वाद देंगे कि हमारे छठ माँ को कृपा और धन्य और धन बढ़ाए और इनके तमन्ना और छठ माँ कृपा से जीत इनकी हो। अच्छा, धनतेरस क्यों मनाया जाता है सर, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। धनतेरस एक लक्ष्मी का, एक दिवाली जैसे होती है लक्ष्मी, वैसे ही धनतेरस एक होता है हम लोग हिंदू धर्म में कि हमारे आज का जो भी जो चीज़ हम खरीदेंगे ना वो लक्ष्मी के नाम पे करते हैं, इसीलिए हम लोग धनतेरस को हम लोग मानते हैं कि हम धनतेरस करें, उसे यानी हमें आज से हमें धन प्राप्त हुआ। दिवाली हम दीप जलाते हैं रोशनी, जिससे हमें रोशनी में हम लोग बोलते हैं कि रोशनी आ गया तो बुझो कि लक्ष्मी का वास हो गया, जहाँ अंधेरा आ गया, जहाँ भूत का बसेरा आ गया, तो ही आज हमारा कल धनतेरस है हमारे माँ लक्ष्मी का। उसमें सब हम लोग सभी हिंदू भाई लोग का, हमारे गोपालपुर में जो भी हमारे लोग हैं और जाकिर भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसा है कि हमारे गोपालपुर में कोई ऐसा, इनके पास एक चीज़ है कि जातिवादी नहीं है, हिंदू मुस्लिम ये चीज़ इनके पास नहीं है। हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, हम बैजनाथ यादव, हम यादव जात से बिलोंग करते हैं, ये मुस्लिम जाति से बिलोंग करते हैं। पर रही बात वो नहीं है इनके पास कि वो अहिर है, वो तेली है, वो चमार, इनके पास सिर्फ ये इंसानियत है कि हम काम करेंगे, बिना जीते हुए बहुत कुछ किए हैं। सर यहाँ पे मैं आपसे एक मेरा सवाल रहेगा, थोड़ा सा हटके सवाल है कि कहीं ये तो आप ये तो नहीं लग रहा है कि जाकिर साहब राजनीतिक वजह से आपसे मिल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे बहुत अभी राजनीति का भी जब नहीं चल रहा था तब से हमारे ये मार्केट में मेरे को 7 साल रहते हो गया, तो अभी इनकी मुंड नहीं थी राजनीतिक में आने का, तब से हमारे मैंने इनकी हम
पहले इन काम कुछ किए थे, ये नहीं है कि काम कर हमारे को खिलाए हैं चाहे 10 रुपया दिए हैं बाबू हमारे तरफ से, ऐसा जाकिर भाई को कोई ऐसा लालच नहीं है, ठीक है ना जी। हाँ, बहुत कुछ काम किए हैं भैया। और एक चाचा जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, धनतेरस के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? धनतेरस के मौके पर यही कहेंगे कि जाकिर भैया आकर हम लोग को शुभकामनाएं दिए धनतेरस के विषय में, कि आज धनतेरस है, आज हम चले वहाँ पे अपना हिंदू भाई के पास, उनको आशीर्वाद दें, उनको कुछ कहें सुने धनतेरस के विषय में। अभी तक तो कोई प्रत्याशी अभी तक तो पूछने भी नहीं आया कि आज धनतेरस है, रोको हम थोड़ा एक बार घूम के बधाई दे दें कि हमारा गांव मोहल्ला सुरक्षित, हमारा गांव मोहल्ला सुरक्षित है कि नहीं है, थोड़ा एक बार प्रत्याशी लोग को तो देखना चाहिए ना। मगर नहीं, हमारा जाकिर भाई प्रत्याशी हर समय में हर मौके पे ये चौंप जाते हैं, हर समय में हर जब चाहो तब बुला सकते हैं, अपना परेशानी बोल सकते हैं, वो परेशानी का ये हल करते हैं। तो जैसे कि जाकिर साहब आपसे मेरा सवाल रहेगा, जनता हमेशा आपको सपोर्ट कर रही है, ये बता रही है कि आप देखिए मैं 24 आवर्स जनता के प्रति मैंने काम करता हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं वैसा प्रत्याशी नहीं हूँ, वैसा प्रतिनिधि नहीं हूँ कि जरूरत पड़े और लोगों ने याद किया और हमने नहीं आया। जब जब जनता ने पुकारा है हमारे नगर पंचायत गोपालपुर से, हमने आने की कोशिश किया है, यहाँ लोगों को समस्या का निदान किया, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं यही चाहूँगा कि मेरा नंबर भी रखा जाए पंचायत के अंदर, 7254842188 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी आदमी को 24 आवर जरूरत पड़ेगी तो हम आने की काम करेंगे, काम करने की काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज चुनाव है तो हमने आज जनता के प्रति है, कल चुनाव खत्म हो गया तो हम जनता से मिलना जुलना छोड़ दिए। आज देख लीजिए चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, अपना अपना प्रत्याशी बुढ़िया बिस्तरवान घर घर में सो रहे हैं, मगर आज धनतेरस है फिर भी हम लोगों को बीच जाने की कोशिश किया, मिलने की कोशिश किया। और परसों दिवाली है, हम यही चाहेंगे हमारे परिवार के तरफ से धनतेरस दिवाली छठ की शुभकामनाएं हमारे पूरी फैमिली के तरफ से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भीम कुमार भगत है। जैसे कि सारा हिंदुस्तान या पूरा वर्ल्ड आज धनतेरस मना रहा है और इस मौके पर जो कि गोपालपुर नगर पंचायत के नवनिर्मित नगर पंचायत गोपालपुर के चेयरमैन प्रत्याशी जाकिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं धनतेरस की शुभकामनाएं देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में सर? उनके बारे में ये तो मेरे भाई हैं, बड़े भैया हैं जो चेयरमैन प्रत्याशी है, इनके हम तो दिल से सपोर्ट इनको करते हैं और इन्हीं को मेरा फुल बहुमत है, इन्हीं को हम लोग जिताएंगे। इनको अगर 12 बजे रात में बुलाया जाए तो 12 बजे रात में चले आएंगे, धनतेरस हो चाहे आम दिन हो चाहे कैसा भी हो, जब इनको याद करेंगे तब चले आएंगे। तो जैसे कि बहुत सारे प्रत्याशी इस पर अपना नामांकन कराए थे इस इलेक्शन में जो कि स्थगित हो गया, तो क्या आपको कोई प्रत्याशी आज धनतेरस से आपसे मिलने आया जाकिर साहब को छोड़कर? बाकी सब लोग हवा है जी, जाकिर एक दावा है, समझे? तो कोई अभी कभी तो मिलने नहीं आया, किंतु जाकिर भाई ऐसे आदमी है कि बच्चा को पूछते हैं, बच्चा को पूछते हैं इसका क्या नाम है उसका क्या नाम है, सबको जानते हैं कहाँ का रहने वाला है कहाँ का नहीं है, जुड़े रहते हैं हमेशा एकदम। इससे पिछले बार भी जैसे कि रक्षाबंधन था तो उसमें भी देखा गया था कि जाकिर साहब जाकर खुद रक्षा बनवाए थे, सब घर वाहनों से उन्होंने राखी बंधवाया था और उन्हें आशीर्वाद भी दिया था भाई होने के नाते। तो जैसे कि सर इस बार का जो अभी चुनाव स्थगित हो गया, बहुत सारे प्रत्याशी जो अपने आप को दावा ठोकते हैं कि हम आपके लिए, आप हमको वोट दें, हम आपके लिए ये कर देंगे, आप हमको वो कर देंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो समय पर नहीं पहुँचते, हालांकि चुनाव स्थगित कर देगा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए सबका एक माइंड सेट होता है जी, जिसे सबका एक माइंड सेट होता है कि हम इसको वोट देंगे हम उसको वोट देंगे, किंतु उसमें से इनका माइंड सेट जो करवाते हैं, माने ये जो काम करते हैं जिससे माने बातचीत हुआ कुछ भी हुआ, तो ये इनका सब कुछ माने ठीक है, हम तो इन्हीं का सपोर्ट करते हैं, माने हम बता रहे हैं हम तो इन्हीं का सपोर्ट करते हैं। और मैंने तो क्या पंचायत वासियों के लिए देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, आज धनतेरस है, हमने अपने पंचायत में लोगों से मिलने का काम किया, माताएं बहनें सभी लोगों से, बच्चों से बुजुर्गों से सभी भाई से, आज मैं इस जगह हूँ, आप आएँ, बहुत
हमारे नगर पंचायत में आ पाए हमारे लिए, आप पूरा ये नगर पंचायत के लिए आपको हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना रात को आप आए हैं, उसके लिए मैं नगर पंचायत की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक और बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आज धनतेरस है, परसों दिवाली है, छठ है, हमारे छठ और दिवाली है, धनतेरस हमारे तरफ से, हमारे गोपालपुर के तरफ से, हमारे परिवार के तरफ से बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू।